पेट्रोल पंप लूट वारदात का पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर। दिनांक 20 दिसंबर 2021 को रात्रि 1:15 बजे धोरीमना नेशनल हाईवे 68 स्थित थार कैसरी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात कर पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात करने वाले 5 आरोपियों को 4 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम 4 बजे पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने प्रेस वार्ता करके इस मामले का पूरा किया खुलासा। आगे जाके इसी गिरोह ने एक पेट्रोल पंप पे भी वारदात करके वहाँ पे पेट्रोल पंप को लूटा था, तो इसमें हमारी टीमें तब से निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, हमारी साइबर टीम, एसएचओ सदर, एसएचओ ग्रामीण, एसएचओ कल्याणपुर, फाइनली ढूंढते ढूंढते ट्रेस करते हुए तकनीक के आधार पे और अन्य सुराग रसी करते हुए एसएचओ कल्याणपुर ने एक अभियुक्त को उदयपुर से दस्तयाब किया। उससे फिर अन्य व्यक्तियों के नाम पता चले और 3 व्यक्तियों को धौरीमना से, 1 को जैसलमेर से भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों के नाम हैं मगाराम सन ऑफ भूरा राम, बाबू बेरा भीमथल धौरीमना, रवि कुमार पुत्र होरीलाल, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये अच्छा हुआ अभी पकड़ में आ गए, फिरोजाबाद ए उत्तर प्रदेश, रमेश कुमार जोगाराम धौरीमना, सत्यपाल ठाकरा राम मीठा खुर्द धौरीमना, रत्नाराम कपूरडी हाल मोहनगढ़। 1 व्यक्ति अभी गिरफ्त में नहीं आ पाया, मनीष उर्फ राकेश, इसके पीछे भी अभी टीमें गई हुई हैं। ओसिया जोधपुर का है, इसके पीछे भी टीमें गई हुई हैं। आशा करते हैं ये जल्दी गिरफ्त में आएगा। इसमें हमारी तकनीकी टीम और ग्राउंड पे करने वाली ये सभी टीमें बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वापस से ये मामला बिल्कुल अज्ञात था। संसद में एक पेट्रोल पंप को लूटते हैं और एक अन्य वारदात जालौर जिले में भी करते हैं।